तो दोस्तों अभी सुबह हो गए, हम लोग पूरा रेडी हो गए, नेक्स्ट डे है। आज का तारीख है 24 और सितंबर 9:01 हो रहा है। और आज मैं पहनने जा रहा हूँ अपने नए जूते, तो इसको पहनते हैं फटाक से। लेट्स गो एंड हियर वी गो। सो ऑल सेट, चलते हैं अब फटाक से और हाउस बोट पे और एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। सो दोस्तों, ये है होम स्टे जहाँ अपन रुके थे और अभी चेकआउट कर दिए हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:25 और अभी हम लोग निकल चुके हैं। तो होटल का नाम था नवेंदु होम स्टे, तो होम स्टे था क्वाइट अ गुड प्लेस। बस स्टैंड से आपको जो है सामने छोटा सा नदी है, उसको पार करके आना पड़ेगा और ये रोड के दूसरे साइड रहेगा और थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा, अराउंड 60-70 मीटर अंदर आना पड़ेगा रोड से। नवेंदु होम स्टे नाम है इसका, नवेंदु होम स्टे। तो ये था और हम लोग को रूम मिल गया था, एसी रूम एट 1100 और नॉन एसी रूम था 900 रुपये में। तो यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा था तो हम लोगों ने जो एसी रूम ले लिया था। वैसे बात यह है कि मैं जो है रात को एसी का बटन ऑन करना भूल गया, सो गया था, नींद बहुत आ रहा था तो बिना एसी के ही अपन सो गए। तो ये एक फन फैक्ट है, बाकी ऐसा था। उसे उतना गर्मी नहीं लगा रात को सो गए तो पता नहीं चला, सुबह थोड़ा गर्मी लगा तो सुबह एसी चालू कर लिए थे। फिलहाल जस्ट सामने में कुछ इस तरीके से नज़ारा है और ये छोटा सा रिवर या नदी जो भी बोलो आप, बैक वाटर है। इसके जस्ट अपोजिट वहाँ कहीं पे जो है, या यहीं कहीं पे जो है वो है, बस स्टैंड है। तो ये वाटर बोट्स चल रहे हैं बहुत सारे, हाउस बोट्स भी चल रहे हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद निकलेंगे। सो दिस इज़ द बोट वी आर गोइंग इन, और बोट हम लोग ले लिए हैं 400 पर घंटे के हिसाब से। इसके बाद हाउस बोटिंग भी करेंगे सोच रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल इसको करते हैं 2 घंटा के लिए और ये अपने को छोड़ देंगे हाउस बोट की तरफ और चलते हैं। इसमें सामान वामान रख लेते हैं और अपने को नाश्ता ऑन द वे मिल जाएगा। तो ये गली में था अपना रूम और जस्ट बाहर निकले तो अपने को बोट मिल गया है, तो लेट्स गो। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पूरा बोट है। प्रीपेड ओके पेमेंट प्रीपेड करना पड़ेगा, 800 रुपये देना है, उसके बाद बोट चलेगा। चलते हैं अब बोट में, लेट्स गो। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से सामने का है, ये पूरा गद्दा लगा हुआ है इसमें और कुछ इस तरीके से मैं दिख रहा हूँ। कल हम लोग ये ब्रिज पूरा जो है ये चढ़ के पार करके गए थे, वहाँ से लगभग 500 या 600 मीटर गए थे हम लोग, इतना सब लगेज के साथ। सो द स्ट्रगल वॉज रियली हार्ड फॉर यस्टरडेज, क्योंकि हम लोग को कल बस नहीं मिला। हम लोग टैक्सी से आए, फिर ऑटो से आए फिर टैक्सी से बस से आए, उसके बाद फिर बस चेंज किए और फिर यहाँ पे पैदल आए। तो बहुत मेहनत के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे थे। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी बोट्स है, देख सकते हैं अलग अलग बहुत। आप जिस साइड देखोगे उधर आपको बोट दिखेगा, राइट लेफ्ट एवरीवेयर देयर इज बोट्स। तो पर आवर का 400 है। इन्हें टाइम देखे 9:30 बजे 9:40, तो द बोट वन ईयर इज ओवर टेकिंग अस। सो लेट्स सी, आई थिंक आवर्स इज गुड ना बाजी। तो अपने का अपना जो बोट है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हर कोई दो दो लोग ज़्यादातर यहाँ करते हैं। वहाँ पे छोटा बोट भी आ रहा है, बाकी नज़ारे बढ़िया है, ऊपर मौसम भी बढ़िया है, धूप है लेकिन कम है और कुछ इस तरीके से स्काई है और बर्ड्स वगैरह उड़ रहे हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड लेट्स एंजॉय। अगर मन किया, टाइम मिला तो हम बस ड्रोन भी उड़ाएंगे बाजी। ओके, विल फ्लाई ड्रोन, विल सी, लेट्स सी। तो फिना बाजी मान जाए और अपन ड्रोन उड़ा ले, मज़ा आ जाएगा। सो ये रही हमारी बोट, फिना बाजी आ रहे हैं। हम लोग रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, यानी ब्रेकफास्ट के लिए, यहाँ पे होटल है यहाँ पे। तो दिस इज़ द व्यू गाइस एंड इट इज़ हाउ इट्स लुकिंग। सो फिना बाजी जूता पहन रहे, उसके बाद आएंगे। और मौसम अभी ठीक है, धूप हो रहा है, फिर छाँव हो रहा है, तो अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा हो जा रहा है फ़ोटोज़ में, लेट्स सी क्या होता है। और ये पूरा बैक वाटर है, ओशियन का वाटर है, नमक पानी है तो थोड़ा सा ह्यूमिड जैसे लग रहा है। तो क्योंकि ये बैक वाटर है, पूरा सॉल्ट वाटर है, तो थोड़ा सा ह्यूमिड है। तो अगर आप आओगे तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आओगे तो थोड़ा लूज़ कपड़े पहन के ही आओ इस राइड पर, ताकि आप थोड़ा कम्फर्टेबल फील कर सको, अदरवाइज़ यू गोना फील लाइक वेरी, क्या बोलते हैं बाजी, इची। सो इट इज़ हाउ इट इज़, लेट्स गो एंड ईट समथिंग। सो अभी हम लोग यहाँ रुके थे ब्रेकफास्ट किए इस होटल में,
सो यहीं पे एक चील भी है, ईगल है, तो ये अभी मेरे हाथ पे चढ़ गया है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो इसके साथ कुछ फोटोज क्लिक किया हूँ जो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो चलिए अब इसको हटाते हैं और चलते हैं यहाँ से, लेट्स बैक टू अवर बोट राइड। सो दोस्तों ये है अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर और आपको देख के आश्चर्यचकित होगा कि एक पानी के बीच में है। सो यहाँ पे जो भी आता है वो बोट से आते हैं, यहाँ पे जितने घर है वो लोग सबके पास अपना प्राइवेट बोट रहता है, ऐसा अभी तक भैया बता रहे हैं अपने को, अपने बोट वाले भैया। बाकी देख सकते हैं बहुत से घर हैं यहाँ पे, इधर भी एक घर है और सीन्स कुछ ऐसे हैं, और बता रहा हूँ फुल मज़े आ रहे हैं इसमें। और मेरे को लग रहा है हाउस बोट में शायद इतने मज़े ना आए, लेकिन बोट हाउस है, पता नहीं हाउस बोट या बोट हाउस जो भी बोलते हैं वो अलग है, ये अलग है। लेकिन मैं अभी तक इसका राइड ले रहा हूँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ओपन टाइप का है और थोड़ा अच्छा फील आ रहा है। हाउस बोट में क्या है, रूम टाइप का रहेगा, कमरा रहेगा, बाकी उसमें भी मज़े ले सकते हैं ऊपर जाके। देखते हैं उसका क्या रेट रहेगा, अगर वो महंगा पड़ेगा तो हम लोग इसी में पूरे मज़े लेंगे और निकल जाएंगे शाम को फिर यहाँ से वर्कला की तरफ। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा होगा लेकिन ज़रूर देखना क्योंकि पूरे जो मज़े हो आपको मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। लेट्स सी। जो है हम लोग यहाँ आलापूसा से बोट राइड किए सिकारा राइड, उसके बाद हाउस बोट के लिए गए, लेकिन हाउस बोट आज अवेलेबल नहीं था क्योंकि आज सैटरडे था और सैटरडे संडे को बहुत भीड़ रहता है, उसके कारण मिल नहीं पाया। तो अभी हम लोग बस में हैं और मैं और हम लोग अभी जा रहे हैं वारकला, तो ये बस जाएगी कोलाम तक और कोलाम से हम लोग को दूसरी बस लेनी पड़ेगी। तो लेट्स सी वहाँ से कौन सी बस मिलती है। वैसे एक आध घंटा अपन इंतज़ार किया उसके बाद अपने को ये बस मिला और लकीली अपने को जो एसी बस मिल गया तो अच्छी बात है, ठंडा है क्योंकि मौसम बहुत गर्म है बाहर और गर्मी बहुत था। तो लगभग हम लोग पहुँचने वाले हैं कोलाम, लगभग आधा घंटा और बचा है अपने पास, आधा घंटा का सफ़र और बचा है, उसके बाद कोलाम पहुँचेंगे और उसके बाद देखते हैं मन करेगा तो यहीं पे खाना खाएंगे या तो फिर आगे जाके खाएंगे। तो यहाँ गाना बज रहा है, शायद कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए आगे मिलता हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं कोलम, यहाँ से वारकला है लगभग 27 किलोमीटर, आधा घंटा से ज़्यादा लगेगा यहाँ से जाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, तो यहाँ पे सोच रहे हैं कुछ खाना वाना खा लेते हैं क्योंकि लगभग अभी टाइम हो गया 4 बज रहा है और दोपहर का हम लोग जो है लंच मिस कर चुके हैं, तो खाना वाना खाते हैं उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ठीक पीछे बस स्टैंड है और सामने कुछ इस तरीके से नज़ारा है, देख सकते हैं वहाँ शायद व्यू पॉइंट है, वहाँ से खड़े होकर कुछ इस तरीके से नज़ारा दिख जाएगा। ये पूरा ब्रिज है और यहाँ कुछ बोट्स रखे हुए हैं, बढ़िया ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और फ्लैट के ऊपर बहुत तेज हवा चल रहा है एक्चुअली, और सामने में शायद कुछ होटल वगैरह कुछ है, शायद KTDC तमारेंड कुछ लिखा हुआ है पता नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है और डिसाइड करते हैं अब क्या करना है। अभी हम लोग जो है निकल चुके हैं कोलम से और जा रहे हैं वारकला ऑटो में, क्योंकि बस से अपन जाते तो अपने को 2 बस और चेंज करना पड़ता, कुछ तो एक गांव था ए से आता है वहां जाना पड़ता, वहां से फिर अपने को आना पड़ता वारकला और उसके बाद बहुत लंबा पड़ जाता अपने सफ़र और बहुत टायरिंग हो जाता, तो हम लोगों ने सोचा कि ऑटो लेना ठीक रहेगा। तो यहां से ऑटो लिए हम लोग और यहां से जा रहे हैं वारकला वाया ऑटो, ऑटो का कॉस्ट लगभग 600 रुपये और अभी हम लोग को छोड़ देंगे अपने को वारकला बीच के पास होटल में। सो लेट्स सी, और कुछ इस तरीके से अपना जर्नी है, अपने राइट साइड में ज़्यादा दूर में नहीं, पास में जो एक समुद्र है सी के किनारे किनारे अपन चल रहे हैं अभी इस वक्त, और 26 किलोमीटर है यहाँ से वारकला बीच। सो लेट्स गो। सो ये जो दिख रहा है आपको पूरा ब्लू जो है राइट साइड में अपने, ये पूरा समुंदर है, समुद्र के किनारे किनारे समुद्र में, लेकिन अभी आप लोगों को नहीं दिख पाएगा, बाकी बढ़िया फील आ रहा है समुद्र के बाद में। सो वो रहा अपना ऑटो, अपन अभी रुके हैं वारकला से 2-4 किलोमीटर पहले, ये आया है अपने लिए रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग। सो रेलवे क्रॉसिंग में रुके हैं, यहाँ का नाम है एडवाई में अपन अभी रुके हैं और ट्रेन इज़ कमिंग फ्रॉम देयर।
एज यू कैन सी, अभी नहीं दिख रहा होगा, कुछ सेकंड्स के बाद दिखेगा, तो कुछ सेकंड के बाद का शॉट देता हूँ मैं। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरा हाल हो गया यहाँ पहुंचते तक, और टाइम हो गया अभी 7:16, 1 घंटे से ज़्यादा लग गया अपने को होटल ढूंढने में, ठीक ठाक वाला। तो ये रहा अपना होटल, ये है बांसुरी रिसोर्ट। तो कुछ इस तरीके से अपना रूम है, उधर वॉशरूम है, एसी रूम है, और आई थिंक ठीक ठाक है। सामने में ही बीच है, मैं आपको सुबह दिखा दूंगा। और इस होटल का प्राइस है 2000 रुपये, और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, पूरा शेयर करूंगा। तो मिलते हैं आपसे सीधा सुबह मॉर्निंग में। तो ये था टेबल जहाँ पे बैठ के हाँ अभी हम लोगों ने बैठ के डिनर किया। सो कुछ इस तरीके से रेस्टोरेंट है, अलग अलग है, यहाँ भी बैठ सकते हैं। और एम्बियंस काफ़ी अच्छा था यहाँ का, और हिंदी गाने बज रहे थे, ये अच्छी बात है यहाँ पे। तो ये रेस्टोरेंट का नाम है वर्कला मरीन पैलेस रेस्टोरेंट। तो मेन और सबसे अच्छा चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आपको दिख पा रहा होगा यहाँ जस्ट सामने में बीच है, ये जो है पूरा पानी है ये, यानी मेरे ख्याल से मुश्किल से 20-25 मीटर दूर में यहाँ पूरा पानी है। तो अभी रात हो गया, आपको दिखेगा नहीं। तो अभी चलते हैं, कुछ आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, उसके बाद निकलते हैं सीधा रूम के लिए।